हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी में। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जिंकोविड टैबलेट के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन जानकारी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मेडिसिन, स्किन और ब्यूटी से संबंधित हर तरह का वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिंकोविड टैबलेट, तो अपन इस वीडियो में इसके कंपोजिशन, इसकी प्राइस, इसके बेनिफिट और इसके यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। दोस्तों, ये जो जिंकोविड टैबलेट है, अपन इसकी प्राइस की बात करें तो 110 रुपये में 10 कैप्सूल का पूरा पत्ता आपको दिया जाएगा। बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। दोस्तों, यह एक प्रकार से मल्टीविटामिन टैबलेट है। यह अपने शरीर में विटामिन की कमी की पूर्ति करती है। यदि अपने शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन बी की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे मल्टीविटामिन कंटेंट दिए गए हैं, अपन उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर अपन कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर दिया गया है विटामिन ए और दोस्तों इसके अंदर दिया गया है विटामिन B1, जिसे अपन थियामिन भी बोलते हैं। इसके अंदर साथ में विटामिन B2 दिया गया है, जिसे अपन राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और साथ में इसके अंदर विटामिन B3 दिया गया है, जिसे अपन नियासिन बोलते हैं। और दोस्तों, साथ में इसके अंदर दिया गया है विटामिन B5, दिया गया है विटामिन B6, जिसे अपन पायरीडोक्सिन बोलते हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे एक प्रकार से मल्टीविटामिन कंटेंट्स हैं जो इस कैप्सूल के अंदर दिए गए। इसके अंदर विटामिन B7 दिया गया है, जिसे अपन बायोटिन बोलते हैं। और इसके अंदर विटामिन B9 दिया गया है, जिसे अपन फोलिक एसिड बोलते हैं। और दोस्तों, इसके अंदर विटामिन B9 दिया गया है, जिसे अपन फोलिक एसिड बोलते हैं। और साथ में दोस्तों, इसके अंदर विटामिन B12 दिया गया है, जिसे अपन मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे इसके अंदर कंटेंट दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी के इसके अंदर सारे प्रकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो सारे कंटेंट है, ये अपने शरीर में विटामिन की पूर्ति करते हैं। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे न्यूट्रिशन भी दिए गए हैं, जैसे कि अपन जिंक दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है, आयोडीन दिया गया है, कॉपर दिया गया है, सेलेनियम दिया गया है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे इसके अंदर मल्टीविटामिन कंटेंट दिए गए हैं। यह है अपने शरीर में विटामिन की पूर्ति करती है। यदि दोस्तों आपके हाथ पैरों के अंदर दर्द रहता है, थकान रहती है, कार्य करते समय आप जल्दी थक जाते हो, शरीर में भूख नहीं लगती है, शरीर बहुत अधिक कमज़ोर है, तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसके अंदर जो विटामिन B12 दिया गया है, मिथाइल कोबालामिन, दोस्तों ये अपने शरीर में ब्लड के लेवल को मेंटेन बनाए रखता है। यदि अपने शरीर में खून की कमी हो गई तो यह अपने शरीर में खून के लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। दोस्तों, RBC के निर्माण के लिए यह बहुत ही अच्छी टैबलेट मानी जाती है। यदि अपने शरीर की नसें कमज़ोर हो गई, नसों के अंदर दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यदि आपका शरीर बहुत अधिक दुबला पतला है, शरीर से आप बिल्कुल कमज़ोर हो, तो दोस्तों यह अपने शरीर में विटामिन्स के लेवल को बनाए रखती है, जिससे कि अपने शरीर में भूख बढ़ेगी और आप अपना खाना प्रॉपर रूप से खा पाएंगे। दोस्तों, पूर्ण तरीके से यह एक सेफ टैबलेट मानी जाती है मल्टीविटामिन के रूप में। बहुत ही अच्छे इसके अंदर कंटेंट दिए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, थकान हो, कार्य करते समय जल्दी थक जाते हो, हाथ पैरों के अंदर झंझनाहट रहती है, या फिर अपने जो नर्वस सिस्टम होता है उनके अंदर यह दोस्तों ब्लड के लेवल को मेंटेन करती है, जिससे कि अपना ब्रेन भी अच्छी तरह कार्य करता है। तो दोस्तों, इसके अंदर पूरे के पूरे मल्टीविटामिन दिए गए हैं। थकान से आपको राहत देते हैं, कमजोरी से आपको राहत देते हैं, भूख नहीं लगती है तो भूख को बढ़ाते हैं, या आपका शरीर दुबला पतला है तो दोस्तों यह अपने शरीर में विटामिन के लेवल को मेंटेन बनाए रखती है। साथ में दोस्तों, RBC के निर्माण के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद यह टैबलेट है। बहुत ही आसानी से यह आपको हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। अब दोस्तों, अपने इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप इसे एक टैबलेट आफ्टर मील के बाद ले सकते हैं, खाना खाने के बाद आप इसे कभी भी दिन में एक बार ले सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, आप इसे दिन में कभी भी खाना खाने के बाद एक बार ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के बारे में आपको समझे, तो यार वीडियो को जरूर से ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।